फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, मैं नगमा निगार कुरैशी, नगमा लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैंने सप्तमी लुक भी आप लोगों को करके देखा है, देन अष्टमी, आज मैं एक नौवीं लुक आप लोगों को करके देखाऊंगी। ये लुक मैंने कैसे किया, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने लॉरियल का प्राइमर यूज़ किया है, इनफेलेबल मास्टर प्राइमर। ये बहुत ही मॉइस्चराइज, मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ही मॉइस्चराइज प्राइमर है, हाइड्रेटिंग प्राइमर है। मैंने स्किन केयर ना पहले ही कर लिया है। देन इसके बाद मैं थोड़ा सा ग्लोई प्राइमर यूज़ करूँगी। ये है स्विस ब्यूटी का रियल ग्लो प्राइमर, हाइलाइटिंग प्राइमर है। तो आप ये थोड़ा सा फेस के पास लगा लीजिएगा, चिक्स के पास, तो थोड़ा हाईलाइट थोड़ा ये ज़्यादा करेगा। एंड ओवरऑल पूरा फेस में आप हल्का सा ब्लेंड कर लीजिएगा। देन इसे कंप्लीट ब्लेंड करने के बाद मैं फिटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। फिटमी का कंसीलर है, ये शेड 40 है, हल्का डार्क सर्कल वगैरह कवर अप करने के लिए। अनराइज सर्कल में भी लगा लीजिए, थोड़ा फोर हेड में एंड चिक्स बोन के पास। देन प्रॉपर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, जो भी आपका डार्क सर्कल्स वगैरह है तो वो पूरा कवर अप हो जाएगा। ये मैं आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ कि आपको थोड़ा क्विक मैं दिखा सकूँ ये लुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद मैं फाउंडेशन इनफेलेबल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम है, थोड़ा लॉन्ग वेयर फाउंडेशन अच्छा लगता है कि आप बहुत देर अपना मेकअप आप होल्ड करके रखते हो। तो ये लॉरियल का 24 आवर्स मैट कवर फाउंडेशन है। अपना क्वांटिटी बहुत थोड़ा सा लीजिएगा, देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसे भी अच्छे से ब्लेंड करिएगा, जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड। क्योंकि मैट फाउंडेशन है ना, मैट फाउंडेशन अगर आप प्रॉपर ब्लेंड नहीं करते हो वो थोड़ा पैची लुक लगेगा या फिर केकी लुक लगेगा। फिर आप लोग बोलोगे कि ये क्या, मैंने केकी लुक फाउंडेशन आप लोगों को बता दिया है। इसे ब्लेंड ना आप प्रॉपर करिएगा, जितना आप ब्लेंड करिएगा ये उतना ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। देन इसे प्रॉपर ब्लेंड करने के मैं थोड़ा हाइलाइटिंग कंसीलर भी यूज़ करूँगी। इसके लिए मैं मेबलिन का हमेशा यूज़ करती हूँ एज रिवाइन कंसीलर, शेड इसका आइवेरी है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ पर्टिकुलर एरिया अगर आपको हाईलाइट करना है तो ये कंसीलर बहुत अच्छा है, जो आपको ब्राइट लुक भी देगा, ब्लेंडिंग भी बहुत बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, अपने आई एरिया में भी यूज़ करती हूँ, अगर कंसील थोड़ा मुझे ब्राइट करना होता है तो मैं उसमें भी यूज़ करती हूँ। हाँ, थोड़ा मैट होता है, क्योंकि आप इसे अच्छे से ब्लेंड करोगे तो वो आपका सेट हो जाएगा। तो जो आपको जो मैटी लुक है या फिर आपको जो केकी लुक है वो आपको फिर वो पता नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से वो सेट हो जाएगा। ये लुक आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देन इसके बाद मैं पूरा नेक वगैरह में भी लगा लूँ, क्योंकि कितना बार क्या होता है फेस से थोड़ा नेक अलग हो जाता है। देन इसके बाद मैं आज कॉन्टोर NYB का यूज़ कर रही हूँ। मैंने लास्ट दोनों वीडियो में कॉन्टोर पैलेट यूज़ किया था, आज मैं कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ NYB का, क्योंकि इसका आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बहुत अच्छा यूजेज है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। देन इसके बाद आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर से उसे डैप करके अच्छे से सेट करना है। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ आप जितना अच्छा ब्लेंडिंग करोगे आपका मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। तो पूरा मेकअप आपका ना ब्लेंडिंग के ही ऊपर है, तो आप जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से वैसे ही ना आप ब्लेंड करते रहना प्रॉपर, कि कहीं कोई लाइंस ना दिख जाए या फिर कहीं कोई लाइंस समझ में ना आए या फिर कोई पैची लुक ना लगे। तो जितना अच्छा से ब्लेंडिंग करिएगा ना उतना अच्छा मेकअप का लुक लगेगा। आज मैं ब्लश भी यूज़ करूँगी आपका स्विस ब्यूटी का, ये आपका लिप एंड चिक टिंट वाला ब्लश है। तो मैं आज, आप लोग सोचते होंगे मैंने आज फेस मेकअप पहले क्यों किया, मैं हमेशा तो आई मेकअप करती हूँ, तो मैंने सोचा आज फेस मेकअप मैं पहले करूँ देन आई मेकअप मैं बाद में करूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपने फेस मेकअप पहले कर दिया आई मेकअप बाद में किया, तो मैं सोचा आज डिफरेंट लुक आप लोगों को करके दिखाऊँ, पहले मैंने फेस कर लिया देन मैं आई मेकअप करूँगी। तो मैंने, मेरा बेस ना कम्प्लीट हो गया है, तो मैं आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हल्का आई एरिया को थोड़ा लूज पाउडर से सेट कर लूँगी, कि जितना एक्स्ट्रा गिरेगा तो वो बाद में मैं हटा सकती हूँ। आई एरिया के नीचे में आप लूज पाउडर थोड़ा सेट कर लीजिए। देन इसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट में यूज़ करूँगी लॉरियल का ब्राउ किट जेनियस, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ करती हूँ, जो नेचुरल लगता है बहुत, आपका सिंपल एंड सोवर लुक देता है ये। आई शेडो के लिए मैं आज सोफिक्स का ये पैलेट यूज़ करूँगी। तो मेरा जो आउटफिट है आप देख रहे हो, मैंने रेड पहना है, तो जो मैं रेड कलर नहीं, रेड और थोड़ा सा वाइन मिक्स करके हल्का रेडिश कलर जो रहेगा वाइन रेड, वो मैं अप्लाई करूँगी पूरे आई लीड के ऊपर में। कोई भी आई शेडो ब्रश, फ्लफी ब्रश जो रहेगा आई शेडो ब्रश, वो आप ले लीजिएगा। तो पूरा ऊपर आई लीड में आप पूरा अच्छे से लगाइएगा, देन लोअर लाइन में भी लगाइए, क्योंकि आप हमेशा मेरा देखते होंगे मैं जो ऊपर में लगाती हूँ सेम मैं लोअर लाइन में भी लगाती हूँ। तो मैं जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है।
इनकम्प्लीट आई शेडो के बाद मैं लैक्मी एब्सोल्यूट का कोल काजल यूज़ कर रही हूँ, जिसमें के पीछे स्मजर ब्रश आपको मिलता है। तो जो मैं आई लुक करूँगी आज, मैं थोड़ा सा ब्लैक स्मोकी आप भी बोल सकते हो, तो थोड़ा स्मज किया हुआ थोड़ा सा मैसी वाला लुक अच्छा लगता है। ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा ब्लैक लुक। तो मैं अच्छा से प्रॉपर से लगा के आपका ना इसके पीछे ना एक ब्लेंडर होगा और उससे स्मजर होगा, उससे आप ना स्मज अच्छा से कर लीजिएगा, तो वो थोड़ा सा लुक थोड़ा सा स्मोकी स्मोकी जैसा लगेगा। तो दोनों एरिया में मैंने सेम अप्लाई किया है, मैं लोअर लैश में भी वैसे ही अप्लाई करूँगी और स्मज अच्छा से करूँगी कि थोड़ा सा रेड के साथ वो मिक्स हो जाए, तो थोड़ा स्मोकी लुक लगे। ये देखिए मैं नीचे में भी सेम अप्लाई कर रही हूँ, ये इसे भी अच्छे से स्मज करेंगे। देन इसके बाद मैं सोफिक्स का ही पैलेट से ब्राउन एंड ब्लैक दोनों को एक स्मॉल ब्रश से ब्लेंडिंग ब्रश से आप लेके आपने जो काजल नीचे की तरफ लगाया है उसे अच्छे से ब्लेंड करिएगा ये दो कलर आई शेडो से, तो वो जो लुक आएगा पूरा स्मोकी लुक लगेगा कि हाँ आप जो किए हो ब्लैक में लाइनर काजल थोड़ा स्मोकी लुक लगेगा। तो ब्राउन डार्क ब्राउन एंड ब्लैक दोनों को एक साथ लेके देन इसको जो काजल आपने लगाया है उसके ऊपर आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए एंड लोअर लैश में भी सेम ब्लेंडिंग करना है। लेकिन इसके बाद लॉरियल का बोल्ड मैजिक काजल है वो मैं अंदर की तरफ यूज़ करूँगी, ये थोड़ा सेफ रहता है अंदर की तरफ यूज़ किया हुआ। आप ना ऊपर और नीचे की तरफ दोनों की तरफ ही अच्छे से पूरा अच्छे से लगा लीजिएगा। देन कंप्लीट मेरा आई मेकअप हो गया है, मैंने फॉल्स लैशेस वेयर कर लिया है, ये फॉल्स लैशेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन इसके बाद मैं मस्करा वॉल्यूम मिलियन मस्करा यूज़ कर रही हूँ लोअर लैश में। ये मस्करा मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत इजी टू यूज़ है एंड क्लीन भी बहुत अच्छे से हो जाता है, या फेस वॉश से कर लो या फिर आप मेकअप रिमूवर से कर लो। देन ये देखिए मेरा कंप्लीट आई मेकअप हो गया है। तो जितना भी एक्स्ट्रा आई शेडो वगैरह आया था ना, तो वो मैं हल्का सा लूज़ पाउडर से पूरा सेट कर ले रही हूँ। देन इसके बाद मैं फेस मेकअप के लिए जो लास्ट मेकअप है मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैं आज सोफिक्स का नहीं यूज़ कर रही, मैं मेबलिन का ही मोल्टेन गोल्ड यूज़ कर रही हूँ। ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर है, तो ये थोड़ा गोल्डनी लुक लगेगा पूरा, पार्टी वेयर लुक या फिर आप फेस्टिव लुक बोल सकते हो। आप अगर दिन में भी जा रहे हो तो ये लुक कर सकते हो, नाइट में ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो। तो मैं हल्का मेरा ब्लश थोड़ा कम हो गया था, तो मैं लॉरियल का ही पीच ब्लश में हल्का सा उस पर टचअप दे रही हूँ। लास्ट टाइम भी ये मैंने लिपस्टिक यूज़ किया था मेबलिन का, ये लिपस्टिक का शेड मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आज तो मैं पूरा रेड लुक ही करूँगी। मैंने रेड आउटफिट भी पहना है, रेड आई ग्रूमिंग भी एंड रेड लिपस्टिक भी। ये लिपस्टिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत मैटी लिपस्टिक है। ये देखिए मेरा कंप्लीट लुक, अब मैं आपको पूरा फुल लुक दिखाऊंगी विथ इयर रिंग्स वगैरह। ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मैंने सेम मैचिंग का रेड चूड़ी पहना है एंड चोकर वगैरह सेट, बिंदी भी मैंने रेड लगाया है। ये लुक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल नगमा लाइफस्टाइल। ये नवी में लुक आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।